हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह रीगन भाई के यहाँ पर। वो हमको सिखाएंगे और बताएंगे हमारे व्यूअर्स को और जो भी इस हॉबी में, जो बर्ड कीपिंग की हॉबी में हैं, उनको बताएंगे कि कैसे हैंड फीड किया जाता है बेबी पैरेट्स या बेबी बर्ड्स को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियोस लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सिर्फ लाइक का टारगेट है इसमें 500 लाइक, सिर्फ 500 लाइक है, कर दीजिए। चलिए चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज विकेश जी अर्ली मॉर्निंग हमारे यहाँ आए हैं, सो उनको मैं थोड़ा हैंड फीडिंग के प्रोसीजर्स के, सुबह हम कैसे हैंड फीडिंग फार्मूला प्रिपेयर करते हैं हमारे बर्ड्स के लिए, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कैसे डिसइंफेक्ट करके, कैसे हाइजीनिक वे में हैंड फीडिंग करते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो देखिए आपको कैसे, देयर आर ऑफ थिंग्स, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो आपको इसमें से पिकअप करने मिलेगा। डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग हैंड फीडिंग फार्मूला निकाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिकन पैरट्स के लिए A19 फूड है, सलालागा का A19 फूड यूज़ किया है। लॉरीज के लिए लॉरी का ऑर्लक्स यूज़ किया है। कॉकटूज और अमेजोन वगैरह के लिए A21 हम यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर दी हैंड फीडिंग फार्मूलाज विच आई बेसिकली यूज। हर एक स्पीशीज के लिए, हर एक बर्ड के लिए अलग अलग सिरिंजेस है। सो आपको बहुत सारे कलर्स में और बहुत सारे साइजेस में सिरिंज, जैसे बहुत छोटे नियोनेट बच्चों के लिए, जो एक दिन दो दिन चार दिन के बच्चे हैं उनके लिए बहुत छोटी एक ML की सिरिंज है। बड़े मकाउस के लिए करीबन 60 ML की सिरिंजेस है, 10 ML की सिरिंजेस है। सो अकॉर्डिंग टू, और आपने देखा कि इतनी सारी सिरिंजेस है, ये एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं कलर कोड्स और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कि हर एक स्पीशीज़ को हम एक ही सिरिंज अलग अलग स्पीशीज़ में नहीं यूज़ करें। और ये आप मशीन देखते हो, ये बेसिकली एक स्टीम स्टेरिलाइजिंग मशीन है। ये एक्चुअली छोटे बच्चों के फीडिंग बॉटल्स वगैरह स्टेरिलाइज करने में यूज़ किया जाता है। सो आई जस्ट कवर इट अप और चालू कर दिया तो ये मशीन उसको डिसइंफेक्ट करना, शुरू कर देता है। सो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वेज टू डिसइंफेक्ट योर सिरिंजेस। पहले हम एक एक सिरिंज को गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में क्लीन करते थे, पर ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे है। काफ़ी सारे सिरिंजेस एक साथ में क्लीन कर सकता हूँ और मशीन को भी दिन में एक बार हम क्लीन कर देते हैं। सो ये एक चीज़ हो गया। अभी इसमें हैंड फीडिंग फार्मूला, हमेशा मैं हैंड फीडिंग फार्मूला को पहले बाउल में निकाल लेता हूँ और फिर मैं इसमें थोड़ा वाटर, हॉट वाटर ऐड करता हूँ। सो हॉट वाटर ऐड करने का रीज़न ये है कि उसमें अच्छे से वो हैंड फीडिंग फार्मूला कुक हो। इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे कि विच वुड बी लाइक अ लिटिल बिट हार्डर, जल्दी वो डाइजेस्टिबल नहीं होगा। तो एक हॉट वाटर में इसको ब्लेंड करने से वो भी प्रॉपरली कुक हो जाएगा, बच्चों के लिए थोड़ा ईजिली डाइजेस्टिबल हो जाएगा। इसमें अलग से A21 निकाल के रखा हुआ है भाई, वो अलग बनेगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी हैंड फीडिंग फार्मूला हम ब्लेंड करते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े चंक्स रह जाते हैं, कभी कभी बॉइलिंग वाटर के कारण कभी कभी वो चंक्स बन के रह जाते हैं, तो सिरिंज में इजीली उसको अब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक ब्लेंडर यूज़ करता हूँ। अभी ये पूरा गर्म हो गया है, इसमें से लिटरली एकदम हॉट स्टीम निकल रही है। सो मशीन को बंद करके सारे सिरिंजेस, अब देखो लिटरली पूरा उसमें से स्टीम निकलेगा और सारे सिरिंजेस प्रॉपरली स्टेरिलाइज हो गए। तो बेसिकली इसको आप थोड़ा लूकवार्म होने तक 38-48 डिग्रीज तक इसको थोड़ा स्टर करके थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। 38-48 डिग्रीज टेम्परेचर आइडियल है बच्चों को खिलाने के लिए। तो तब तक इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे, इसको पूरा ठंडा नहीं करके देना है। अगर बहुत चिल्ड भी करके खिलाते हो तो बच्चे को इजीली डाइजेस्टेबल नहीं रहता है, बच्चा भी ठंडा पड़ सकता है, राइट। सो इसको एकदम लूकवार्म या 38-48 डिग्री, जैसे मैं ये वाला टेम्परेचर मीटर आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इतने साल से करता हूँ तो मैं रेगुलरली नहीं यूज़ करता हूँ, बट फॉर द वीडियो पर्पज़ और
व्यूअर्स को बताने के लिए मैंने निकाल के रखा है। तो जब आइडियल वो टेम्परेचर रीच होगा तो हम आपको एक बार बताएंगे, आप इसको मेजर कर सकते हो। अभी तो वो टेम्परेचर गन्स भी आते हैं, सो टेम्परेचर गन से भी आप मेजर कर सकते हो कि आपके फूड का टेम्परेचर क्या है और वो आइडियल है कि नहीं बच्चों को इमीडिएटली खिलाने के लिए। सो वी बिगिन विद द हैंड फीडिंग। तो ये टाइम पे आप देखोगे नेचुरली आपको बर्ड्स का, बच्चों का शोर ज़्यादा दिखता है क्योंकि सुनाई देता है, क्योंकि ये नेचुरली फीडिंग टाइम है इनका। सो दे विल बी मोस्ट एक्टिव और एकदम शोर शराबा ज़्यादा रहेगा ये टाइम पे फीडिंग का। ये यस्टरडे बॉर्न ऑरेंज विंग्ड अमेज़न का बच्चा है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सबसे छोटी सीरिंज ली है 1 ml की। बच्चों का मुंह वगैरह क्लीन करके उसका जितना हो सके हाइजीनिक रखना ज़्यादा ज़रूरी है। खिलाने के बाद आप हल्का वार्म वाटर से मुंह के साइड्स, उसके बीक के साइड्स वगैरह क्लीन करके उसको रख सकते हो। अभी आप देखते हो 1 day old बच्चा है, करीबन उसने 0.5 ml जितना फूड इंटेक लिया है। तो एवरीडे आप मेजर कीजिए कि बच्चे का फूड इंटेक कितना है और डेली उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, उसका बॉडी वेट मेजर कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला के इंटेक से आप गेन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, प्रॉपर उसका डाइजेशन अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट मैं खिलाने वाला हूँ 2 lorikeets के बच्चे हैं। इनकी एज कितनी होगी? ये लॉरी के बच्चे हो गए करीबन, 1 4 days का है, 1 3 days का है। तो लॉरी का अलग हैंड फीडिंग फार्मूला है, ये लॉरी का नेक्टर मिक्स है। वो चेक कैसे करते हैं कि पेट भर गया है या? आप यहाँ पे क्रॉप होता है हर बर्ड का, राइट? क्रॉप को फील करके आपको पता चल जाएगा कि अगर टाइट है ज़्यादा या गुड इनफ है। आप ओवर फीड तो नहीं कर रहे हो, क्रॉप की साइज़ पे से और क्रॉप की थिकनेस पे से आपको पता चल जाएगा। और बच्चा भी रिस्पॉन्स धीरे धीरे स्लो कर देगा, अगर उसको लग रहा है कि खाना ज़्यादा है तो वो भी अपना फीडिंग रिस्पॉन्स अपने आप ही स्लो कर देगा, उसका क्रॉप भर जाएगा। तो लॉरी के फूड में और उनके फूड में डिफरेंस क्या रहता है? लॉरी देखिए मोस्ट ऑफ फ्रूटिवोरस बर्ड है, उसका ज़्यादा डाइट होता है फ्लावर्स, फ्रूट्स, नेक्टर ऐसा है, तो उसका थोड़ा अलग डाइट है। लॉरी जैसे बाकी पैरट्स की तरह सीड्स वगैरह नहीं खाता है उन लोग, हाँ, तो उसका ज़्यादा ग्रेन बेस्ड उसका हैंड फीडिंग फार्मूला नहीं होगा, ये भी मोर ऑफ नेक्टर ओरिएंटेड डाइट रहेगा। तो उसका फूड भी आप देखोगे तो थोड़ा स्टिकी रहेगा, थिक रहेगा, इससे इसमें थोड़ी चिकास ज़्यादा रहेगी दोनों फूड में। तो लॉरी का फूड काफ़ी अलग पड़ता है। अरे जहाँ पर रख रहे हैं वो क्या है? ये ब्रूडर है, ये प्रॉपर एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बच्चे को जो जो एक आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे छोटे बच्चों को इंक्यूबेटर या ब्रूडर्स में रखते हैं, इवन ह्यूमन बेबीज जो प्रीमैच्योर बेबीज है उनको रखते हैं, वैसे बर्ड्स के लिए ये एक ब्रूडर है। तो आइडियली उसको एक आइडियल टेम्परेचर देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मदर बर्ड है तो वो अपने बच्चे को कवर करके उसको एक टेम्परेचर देती है, मेंटेन करती है। इसलिए छोटे बच्चे खुद की गर्मी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या इंग्लिश में बोल सकते हैं दे कांट थर्मोरेगुलेट देयर ओन हीट। उनको आर्टिफिशियली हीट देना और एक आइडियल ह्यूमिड टेम्परेचर देना ज़रूरी है, राइट? अगर बहुत टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ड्राई भी हो गया तो बच्चे को कंस्ट्रिक्शंस फॉर्म होते हैं, स्किन एकदम पेल ड्राई हो जाती है, राइट? तो एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है और एक प्रॉपर आइडियल टेम्परेचर भी। आप देख सकते हैं एकदम छोटे बच्चे हैं, हाँ। ये जस्ट 2-3 दिन के अंदर के हैं, तो मैंने 37 degrees पे सेट किया हुआ है। ओके। ये मशीन में थोड़े बड़े बच्चे हैं जो 10 दिन के ऊपर के हैं, 12-15 दिन के बच्चे हैं, तो मैंने 35.5 पे सेट किया हुआ है, हाँ। उस पर उससे भी बड़ा बच्चा है करीबन 16-18 दिन का है, तो उसका टेम्परेचर मैंने अराउंड 34.2 पे सेट किया है। जैसे मैं ये ट्यूब क्यों यूज
करता हूँ जहाँ टंग खत्म होता है बर्ड का, वहाँ से उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है जहाँ से बच्चा सांस लेता है। तो ये नॉजल यूज करने का तरीका इसलिए रीजन वो है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को पार लगा के सीधा क्रॉप में फूड पहुँचाता है। ओके राइट। तो काफ़ी लोगों को ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि ये नॉजल नहीं यूज करना चाहिए, डायरेक्ट माउथ फीडिंग करना चाहिए, पर मेरे को ये ज़्यादा एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बच्चे का मुंह वगैरह बिगड़ता नहीं है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, मानसून है, राइट, अगर बच्चे के मुंह के आसपास ज़्यादा बिगड़ेगा करेगा तो इजीली एक फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको शुरू हो जाता है। तो ये हाइजीनिक वे है। और सेकेंडली, जब इतने सारे बच्चे हैं, जब एक साथ आपको 30-40 बच्चों को खिलाना है तो ये बहुत कन्वीनियंट है और फास्ट, क्योंकि फूड भी ठंडा होने से पहले सबको खिला लेना पड़ता है, एकदम ठंडा फूड। तो मेरे को फास्ट सबको खिलाने के लिए ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट रखता है। और बहुत सारे रबर नॉजल्स आते हैं, मेटल की सीरीज आती है, बट मैं मेटल नीडल्स नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनके क्रॉप की जो स्किन है वो बहुत पतली होती है, तो इजीली आप क्रॉप को डैमेज कर सकते हो या पंचर कर सकते हो। तो मैं यूजुअली एक लेटेक्स या रबर मटेरियल प्रेफर करता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, ये भी रबर है। मेटल से या प्लास्टिक से क्या हो सकता है, अंदर रैशेज होते हैं, क्योंकि दिन में 5-6 बार तुम छोटे बच्चे को खिलाते हो तो बार बार नॉजल अंदर बार हो, उसको रैशेज डेवलप हो सकते हैं। तो जितना सॉफ्ट और जितना हार्मलेस मटेरियल है उतना बर्ड के लिए वो कन्वीनियंट है। ये हमारा फर्स्ट बॉर्न सल्फर काकाटू का बच्चा है, इसको भी हमने डे 1 से रेस किया है। अभी थोड़े दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही डूलर से ये रेजिंग केज में इसको शिफ्ट किया गया है। ये छोटे बच्चे का नेचुरल फीडिंग रिस्पॉन्स है। अगर बच्चा इतना ड्राइव दिखाता है, एग्रेसिवली, हाँ, फीडिंग का ड्राइव दिखाता है, विच मीन्स बहुत हेल्दी है। सो अराउंड इसका एक टाइम का डाइट है अराउंड 40 ml अभी ये एज में। ये अभी 1 महीने का कंप्लीट होने आया, 1 महीने फिनिश होने में भी अभी और 2-3 दिन बचे हुए। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो कैसे फूड पूरा उसके क्रॉप में इकट्ठा होता है और यहाँ से धीरे धीरे बर्ड उसको डाइजेस्ट करेगा। तो इसको और नेक्स्ट 4-5 आवर्स के बाद इसको फीडिंग करेंगे। अभी इसको दिन में 3 टाइम हम फीड करते हैं ये बच्चे को। आप देख सकते हो कि ये इतना आपको ऐसा लगेगा इतना बड़ा बर्ड है, इसको क्यों हैंड फीडिंग करना है। मकाउज नेचर में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं करीबन 9-12 मंथ्स तक, राइट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है उसके फेदर्स पूरे आ गए, वो उड़ रहा है तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिनिमम अगर मेरे पास बच्चा अगर 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स तक भी है तो उसको मैं दिन में एक टाइम तो फीडिंग करा ही देता हूँ। तो मकाउस के लिए थोड़ी बड़ी सिरिंजेस यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनका डाइट भी थोड़ा हैवी है, क्रॉप भी थोड़ा बड़ा है। और आप देखोगे इतना बड़ा आपको मकाउ दिख रहा है, बट फिर भी बच्चे की तरह मांग के खा लेगा। इसको एक सिरिंज देना होता है, वो तो दो भी दूंगा तो खा लेगा। अभी आज है इतना फूड एक्स्ट्रा, तो मैं उसको करीबन 60 मतलब 120 ml फीड इसको पर टाइम। जितना वो खा लेगा। यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हो कि उसको यहाँ क्रॉप में पूरा खाना उसका भरा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होगा। तो ये पूरा हैंड फीडिंग का पूरा कंसेप्ट था। और ये चीज़ जो है, ये ऐसा नहीं है एक टाइम करना है, ये करना है एवरी टाइम। आपको आपके सिरिंजेस हाइजीनिक रखने हैं, एवरी टाइम आपको आपके यूटेंसिल्स हाइजीनिक रखने हैं, बच्चे को एक प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करना है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी में मेंटेन करना है। तो दिस यू हैव टू रिपीट डेली 4-5 टाइम्स अ डे। अगर छोटा बच्चा है तो डेली 3 टाइम्स अ डे, अगर महीने के करीब का बच्चा है। सो दिस इज़ अ एवरी डे टास्क। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि बच्चे को फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बच्चे को इश्यू है, स्किन बहुत पेल हो रही है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपके रूटीन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मशीन का ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट समझो 20 के करीब है या 30 के करीब है, बच्चे को जितना ह्यूमिडिटी चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो बच्चा डिहाइड्रेट होने लगेगा, हाँफने लगेगा।
और धीरे 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 उसका हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। सो एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप बहुत ठंडा खाना भी खिला रहे हैं, राइट, अगर खाना ल्यूक वार्म नहीं है या 38 डिग्रीज के आसपास भी नहीं है, और अगर 32, 33 डिग्रीज बहुत ठंडा होने के बाद भी आप बच्चे को खिला रहे हैं, वो फूड क्रॉप में जमा पड़ा रहेगा, और जो फूड क्रॉप में पड़ा रहेगा बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें डेफिनेटली बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ शुरू हो जाएगा और ओवर द टाइम बच्चा खाना बैक निकालना शुरू करेगा, वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा उसको होगा, खाना सारा बाहर निकालना शुरू करेगा। बाहर निकालना बच्चा कब खाना शुरू करता है, जब वो अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन शुरू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ उस चीज़ को बाहर निकालने का तरीका यही है कि वो फूड को थ्रो अप करना शुरू कर देगा। सो ये सारी चीज़ें आपके रूटीन में ही है और आपको ये सब चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखना है। बच्चों का मुँह साफ़ सुथरा रखे, हाइजीनिक रखे, मल्टीपल बच्चे हैं तो कोई एक बच्चे से किसी और को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, तो प्रॉपर हर एक बच्चे को डेली हर टाइम जब आप खिलाते हो बैठ के 2 मिनट बैठ के मॉनिटर करें, राइट, खिलाने के बाद भी आप 5 मिनट बैठ के ऑब्जर्व करें कि बच्चा खाना वापस निकाल तो नहीं रहा है, एक्टिव है। मेनली मैं इतना ऑब्जर्व करता हूँ अगर मशीन में कि बच्चा अगर सुकून से सो रहा है, आँख बंद करके फैल के सुकून से सो रहा है, तो वो एक आइडियल एनवायरनमेंट में है। बच्चा अगर बहुत रेस्टलेस है, इधर उधर घूम रहा है, तो समझ लो उसको ठंड लग रही है, आपको आपके ब्रूडर का टेम्परेचर रेस करना है। बच्चा बहुत हाँफ रहा है तो उसको गर्मी लग रही है, आपको आपका ब्रूडर का टेम्परेचर लो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करते रहना ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने खिला भी दिया, फिर भी मैं अभी जैसे मेरे ये ड्राइंग एरिया में ही मैं जहाँ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, वही जगह पे मेरे ब्रूडर्स हैं, तो मेरे आने जाने के रूटीन में मैं एक नज़र मारता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि खाली खिलाने के टाइम पे मैं आके देखूंगा, आते जाते भी मैं चेक करता रहता हूँ ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, बच्चा सुकून से सो रहा है कि नहीं सो रहा है, एक नज़र मारते रहना ज़रूरी है। तो ये काम का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग, राइट। अब ये चीज़ आपके वहाँ कोई काम करता है या कोई सर्वेंट है, वो इतना टेक्नोलॉजिकली सारा चीज़ समझ के नहीं कर सकता है। अगर आपका शौक है और आप बच्चे बड़े कर रहे हो, तो ये चीज़ एक्चुअली आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेहतर ये चीज़ कोई समझ भी नहीं पाएगा, राइट। सो ये एक बेसिक पूरा हैंड फीडिंग का कंसेप्ट है, और कैसे हाइजीनिक वे में कैसे इसको प्रिपेयर करके कैसे आइडियल टेम्परेचर में खिलाया जा सकता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। होप सबको मज़ा आया। कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में इनके डालिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाई कर सकूँ आपको। थैंक्स अ लॉट, गुड डे, बाय। और थैंक्स अ लॉट विकेश जी, जो आप तक ये सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और एक एफर्ट ले रहे हैं आपको ये सारी जानकारी देने के लिए। डेफिनेटली उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट उनको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले और ऐसा वीडियोस और अच्छा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। वापस मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन पीस आउट।